हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। देखो, राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर का टेस्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और आप कितने सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको बता रहे कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपका स्कोर बनता है। इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इसके अलावा इसी टाइम पर डेली हम कंप्यूटर का, साइंस का और महिला और बाल अपराध वाला टेस्ट करते हैं। और एक टेस्ट होता है रात को 8 बजे, डेली लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का, जिसमें राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी करते हैं, तो वो भी 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से रोजाना हम नई नई टेस्ट सीरीज करते रहें। कल 50 क्वेश्चन किए थे, आपने टेस्ट देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना वो भी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे, और आंसर देते रहना, और लास्ट में स्कोर जरूर बता के जाना है ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि किस किस बच्चे के कितना कितना स्कोर बन रहा है। पहला है कि एक्सेल में F11 जो है, इस कुंजी का यूज क्या है, क्या उपयोग है। एक्सेल में F11 कुंजी यानी बटन का क्या यूज होता है? तो चार्ट मेनू खोलने के लिए F11 का यूज करते हैं, चार्ट मेनू खोलने के लिए। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, सही आंसर पहले का। दूसरा है कि पीवट टेबल है वो किससे संबंधित है। पीवट टेबल का संबंध किसी है, तो ये एक्सेल से संबंधित आती है, एक्सेल से। तो राइट आंसर 2 नंबर सही आंसर है। 3 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए और वेब सर्वर भी होना चाहिए। तीनों ही चीजें जरूरी है, तीनों ही जरूरी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एमएस एक्सेल की किस सुविधा के द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सी सुविधा का यूज करके ऑटोमेटिक रूल्स बना सकते हैं? तो फिल हैंडल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, ईमेल को मेल बॉक्स के द्वारा एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है या कौन उपयोगी है। ईमेल को मेल बॉक्स की तरह एक्सेस करने के लिए POP3 का POP3 यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 कि किसके द्वारा मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके द्वारा, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट के द्वारा। तो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 4 आपका राइट आंसर। 57 नंबर कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, शॉर्टकट क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S, Ctrl+S का यूज करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो 1 आपका राइट आंसर। 58 है कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हो। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हो क्या कहते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड कहलाता है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 कि कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों का अनाधिकृत रूप से प्रयोग करना क्या कहलाता है। कंप्यूटर का और नेटवर्क का अनाधिकृत रूप से यूज करना यानी हैकिंग करना, हैकिंग करना। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। 10 आपका ये है कि इंटरनेट के द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहते हैं। किसी भी फाइल को अपने इंटरनेट के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजना यानी अपलोडिंग करना, अपलोडिंग कहलाता है। 2 आपका राइट आंसर। 61 नंबर ऐसे कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU होते हैं। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से ज्यादा CPU होते हैं, उस प्रणाली को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर कहलाती है। यानी 2 आपका सही आंसर। 62 नंबर किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि और चित्रों को प्रोसेसिंग भी संभव है। पहले सिर्फ टेक्स्ट होता था, अब ध्वनि और चित्रों को भी, और ध्वनि चित्र यानी कोई सॉन्ग है, वीडियो है, ये किसमें, मल्टीमीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडियम की वजह से। तो मल्टीमीडिया। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। लोकल एरिया लेन, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो है वो क्या शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं लेन एरिया में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है, आपके कंप्यूटर में कौन सा है मेमोरी दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम, आरएम रैम, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि मदर बोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, मदर बोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन सूचनाएं किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, बेस के माध्यम से ट्रेवल करती है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला एक और इंपॉर्टेंट कि जब आप पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वह अस्थायी तौर पर कहां पर स्टोर होता है, जब आप पीसी में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो अस्थायी तौर से सेव कहां पर होता है, अस्थायी तौर पर फ्लैश मेमोरी में सेव हो जाता है, यानी 4 आपका राइट आंसर। 68 है कि स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेड शीट में डाटा है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है, पंक्ति और स्तंभ में, पंक्ति और स्तंभ में, यानी 4 आपका राइट आंसर। 69 कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज क्या है, का क्या काम होता है ये शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की जब आप इसका यूज करते हैं तो आप अगले पेज की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, यानी अगले पेज के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं किसका यूज करके, या फिर ऐसे भी याद रखना कि अगले पेज के प्रारंभ में पहुंचने के लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। 70 है कि HTML की फुल फॉर्म बतानी है, HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन है EDVAC की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। शॉर्ट की वाले और फुल फॉर्म वाले आपके दो दो क्वेश्चन याद रखना। अगला कि छोटी फ्लोर यानी 35 इसको निम्नलिखित में क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता होती है 2.4 MB, यानी 2 आपका राइट आंसर। चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि C++ भाषा में जो फाइल बनती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, C++ भाषा में अगर कोई भी फाइल बनेगी तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, CPP, उस फाइल का एक्सटेंशन होगा CPP, यानी 2 आपका राइट आंसर। 74 नंबर कि इनमें से कौन सा है कि विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है, विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह कौन सा है वर्ल्ड में, चैट के माध्यम से, चैट होता है तब यूज करते होंगे चैट, तो राइट आंसर का 2 नंबर। 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेट पर किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर पर इंटरनेट से कंप्यूटर पर एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफर करना हो तो किसके माध्यम से, FTP के माध्यम से, FTP के यूज से, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कि HTML कोडिंग को लिखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ठीक है, HTML कोडिंग अगर लिखना हो तो किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, नोटपैड का, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है लेकिन आसान सा क्वेश्चन, कैसक्रॉस सिक्वेंशियल सर्किट की कठिन डिजाइन क्यों होती है, क्योंकि उसमें असाधारण मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो 3 आपका राइट आंसर। 80 है कि एक साधारण फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी मेमोरी कितनी होती है, एक साधारण फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी होती है 2 बिट मेमोरी, यानी 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 कि रेस कंडीशन है वो किससे संबंधित आता है, रेस कंडीशन का संबंध किससे, रेस कंडीशन यानी एसिंक्रोनस सर्किट से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कि एक मोड 19 काउंटर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक मोड 19 काउंटर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। चलिए 83 है कि 83 आपका ये क्वेश्चन है कि बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, बैंक में चेक पढ़ने के लिए MICR विधि का यूज करते हैं, MICR, तो राइट आंसर का 3 नंबर। ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस भी है, स्कैनर भी है, कीबोर्ड या मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 4 आपका राइट आंसर। 85 कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन है, भंडारण क्षमता, तीनों ही है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा कौन सा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर।
87 कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। किसी भी ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने में किसकी सहायता ली, स्कैनर के माध्यम से, स्कैनर का यूज करके, तो डी आपका राइट आंसर। 88 नंबर कि आधुनिक कंप्यूटरों में किसका यूज किया जाता है, चार ऑप्शन के आधार पर, तो VLSI का करते हैं, VLSI का यूज किया जाता है आधुनिक कंप्यूटरों में, दो आपका राइट आंसर। एक और क्वेश्चन जो आपका बहुत बार आया है, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, आईसी चिप किसकी बनी हुई होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनती होती है सिलिकॉन की, किसकी बनती है सिलिकॉन की, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं, किसी भी हार्डवेयर कंप्यूटर को अधिक आधुनिक बनाना यानी इसको अपग्रेड करना, अपग्रेड करना यानी 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सबसे पुरानी आंकड़े गिनने की मशीन कौन सी है, सबसे पुरानी आंकड़े गिनने की मशीन कौन सी होती है, एबेकस थी, एबेकस सबसे पुरानी थी, तो एक आपका राइट आंसर। 92 आपका कि एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकी को क्या कहते हैं, एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकी यानी मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, तो दो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसका, एप्लीकेशन का यूज करते हैं, एप्लीकेशन का, तो एक आपका राइट आंसर। तो ये बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है सिस्टम, सिस्टम, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 99 की उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, ईमेल से जुड़ी हुई होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजते हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट के माध्यम से, तो राइट आंसर का 3 नंबर सही आंसर। और नेक्स्ट आपका ठीक है, अच्छा नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, तभी मैंने सोचा 99 कैसे आ गया। 97 की यात्रा करने वाले यूजर के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, जो यात्रा करते हैं वो अपने साथ पोर्टेबल कंप्यूटर यानी आसानी से साथ में ले जाने वाला है लैपटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर है लैपटॉप, तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, उस विशाल नेटवर्क को जो विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और ये होता है इंटरनेट के माध्यम से, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है कि किसी भी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एमएस डॉस है, यूनिक्स भी है, विंडो भी है, पेटीएम नहीं है, पेटीएम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है, डाटाबेस में फील्ड भी है, रिकॉर्ड भी है, डाटाबेस फाइल भी है, यानी सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे एक और टॉप 50 क्वेश्चन का टेस्ट, होप आपको पसंद आया होगा। तो इसमें से कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और पीडीएफ ले लेना ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से रिविजन कर सको। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है मेरे नाम से ही है, प्रहलाद सारण सर के नाम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लेना। और 8 बजे रेडी रहना 100 क्वेश्चन का टेस्ट देने के लिए, ताकि डेली 100-100 क्वेश्चन के टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और कितना आपने सही किया कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना, ताकि डेली इसी तरीके का हम रोजाना 12 बजे एक टेस्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।